नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 के बाद 2022 में सचिवालय सहायक और उसके साथ कुछ और वैकेंसियाँ निकाली, मगर उसमें कई तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। एक तरफ आवेदन बढ़ाने को लेकर लोगों ने अपील की, जिसे आयोग ने मान लिया, मगर अभी भी एडिट का ऑप्शन नहीं होने की वजह से छात्रों में काफ़ी असमंजस है। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप, इसे लेकर आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? अब देखिए, कल बुधवार को हम लोग BSSC ऑफिस हम जाएंगे और इस मुद्दे पे हम सचिव अध्यक्ष से बात करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं वो लोग हमारी बात माने सुनते हैं या मिलते हैं हमसे कि नहीं मिलते, तो देखने वाली बात है। और ये डिमांड जो है हम लोग रखेंगे। जैसे इससे पहले डेट बढ़ाने की बात थी तो वहाँ जाके हम इस मुद्दे पे बात किए थे, अध्यक्ष सचिव तो मिले नहीं थे, लेकिन हमारी बात वहाँ तक पहुँच गई थी तो डेट तो बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब एडिट की बात है कि सुधार का एक मौका मिलना चाहिए, चूँकि एक दो स्टूडेंट्स की गलती नहीं हुई है, लाखों स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये गलती हो गई है, चाहे वो उनकी वजह से हो या BSSC के सर्वर स्लो की वजह से हो या जिस वजह से भी हो, तो कम से कम एक मौका। चूँकि और भी आप देखिए बहालियाँ आती हैं उसमें एडिट का ऑप्शन दिया जाता है, तो 8 साल बाद एक वैकेंसी आई है और अगर फॉर्म गलती हो जाए तो फिर उस सुधार का मौका मिलना चाहिए। तो इस मांग को लेकर हम बुधवार को BSSC ऑफिस जा रहे हैं और देखते हैं कि वो लोग इस पर क्या बोलते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात नहीं मानी जाएगी, हम तो चाहते हैं कि आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप एडिट का ऑप्शन दे दीजिए। अगर नहीं दिया जाता है तो फिर हम लोग आंदोलन निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय होगा और दिलीप कुमार चुप रहे ऐसा संभव नहीं है। तो हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, लेकिन पहले हम बुधवार को जाके ऑफिस में जाके हम इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि ये समस्या है छात्रों की, आप इस पर विचार कीजिए और एडिट का ऑप्शन दे दीजिए। और कुछ दो तीन दिन हम वेट करेंगे, अगर नहीं अगर सुधार किया गया सॉरी सुधार करने के लिए अगर एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि इस मुद्दे को हमने भी लगातार उठाया है और अभ्यर्थी लगातार BSSC आ रहे हैं, वो लोग भी आवेदन दे रहे हैं कि उन्हें एक मौका दिया जाए। बिल्कुल, बहुत रोज़ हमको लगता है 100-150 अभ्यर्थी आ रहे होंगे, आज से नहीं जब से फॉर्म भराना शुरू हुआ है तब से। तो कम से कम BSSC को भी तो इस पर सोचना चाहिए ना कि रोज़ जब उनके ऑफिस में 150-200 स्टूडेंट्स आके आवेदन दे रहे हैं तो इस पर तो विचार उनको करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा तो ये लोग मांग नहीं रहे हैं ना, नौकरी थोड़े मांग रहे हैं, पैसा थोड़े मांग रहे हैं, ये लोग फॉर्म भरने का पैसा दिए हैं जो भी पैसा लगता हो। एक एडिट का ऑप्शन मांग रहे हैं जो आप देते हैं, आपने भी दिया है, उन्होंने भी पहले वैकेंसी में दिया है, तो अभी देने में क्या दिक्कत है इनको? तो जानबूझकर छात्रों को परेशान करना ये तो उचित नहीं है। BPSC भी देता है, BPSC ने भी दिया है और भी एग्जाम में जो फॉर्म आता है वैकेंसी के लिए उसमें दिया जाता है, तो फिर इनको देने में क्या आपत्ति है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप ने साफ तौर से ये बात कही है कि वो BSSC खुद जाएंगे और फिर वो इसे लेकर निवेदन करेंगे कि एक मौका BSSC दे उन अभ्यर्थियों को जिनसे सचिवालय सहायक की वैकेंसी भरने में गलती हुई, क्योंकि 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है और अब अगली वैकेंसी कब आएगी इसका कोई अता पता नहीं है। ऐसे में जो अभ्यर्थी ने गलती कर दी उसकी एक गलती की वजह से उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि वो फिर आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि इस तरह की गलती खुद BSSC ने भी कई बार की है। हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि साल 2014 की वैकेंसी जब काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे तो PT का रिज़ल्ट BSSC ने जारी किया था, वो खुद एक गलती मानते हुए किया गया था। ऐसे में एक मौका क्या अभ्यर्थी को नहीं दिया जा सकता उनकी गलती को सुधारने का? क्योंकि अभ्यर्थी गरीब होते हैं, वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, उनके पास ना कंप्यूटर है ना कंप्यूटर की सही जानकारी है, वो साइबर कैफ़े में जाकर फॉर्म भरते हैं। तो ज़रूरत है कि इस पर एक बार विचार किया जाए, उन्हें एक बार मौका दिया जाए ताकि वो सचिवालय सहायक और उससे जुड़ी कोई भी जो वैकेंसी आई है उसमें वो आवेदन को अपने सुधार सके। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।